हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हैं वर्कशीट फॉर किड्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास यूकेजी के बच्चों के लिए देखेंगे वर्कशीट्स कि कैसे वो क्रिएटिव तरीके से बिना बोर हुए चीज़ों को अच्छी तरह से करते हैं। इसमें सबसे पहले वर्कशीट आप देख सकते हैं, मैंने कुछ शब्दों को लिखा हुआ है और नीचे कुछ अक्षर दिए हुए हैं। बच्चों को इसमें फाइंड करना है कि अ से कौन सा अक्षर है या आ से कौन सा अक्षर है, इसमें से बच्चे को देखना है ई से कौन सा अक्षर है और बड़ी सी से कौन सा अक्षर है। तो बच्चा इसमें ढूंढेगा तो उसको चीज़ों को रिकॉल करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर जैसे अ से अनार, आ से आम, ई से ईख, सॉरी ई से इधर और ई से ईख, ऊ से वो फाइंड करेगा कि ऊ से कौन सा है, उसे ऊसा है और बड़ियों से ऊन। तो इस तरीके से बच्चों को यहाँ पर फाइंड करके अक्षर को लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं, अगली हमारी एक्सरसाइज होगी मात्राएं। जैसा कि हमें पता है क्लास यूकेजी में हम बच्चों को औ तक, अंग तक की मात्राएं सिखा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ मात्राएं दी गई है, जैसे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए आई ओ औ की मात्राएं। तो यहाँ पर बच्चे को हमको दो या तीन शब्द लिखने को कहना है ताकि वो चीज़ों को रिकॉल कर पाए और मात्राओं को अच्छी तरह से याद रख पाए। उसके बाद हमने दूसरी एक्सरसाइज दी हुई है, यहाँ पर कुछ सब्जियाँ दी हुई है, उसके नीचे बच्चे को लिखना है कि ये कौन सी सब्जी है और उन पे कलर करना है ताकि वो उसको इंटरेस्टिंग तरीके से कर पाए और चीज़ों को याद रखने और रिकॉल करने के लिए उसको ज़्यादा समय ना लगे और वो अच्छी तरीके से इनको कर पाए। तो क्लास यूकेजी के लिए ये दो एक्सरसाइज, दो वर्कशीट आप घर पर भी बच्चों को दे सकते हैं करने को। सब्जियों के अलावा आप कुछ फलों के चित्र भी ड्रॉ करके दे सकते हो और उसमें बच्चे को उनके नाम लिखने हैं, साथ ही साथ उनको कलर करने के लिए भी दीजिए ताकि वो उसको आराम से और बिना किसी परेशानी के फिनिश कर सके। तो इस तरह से बच्चा जब करेगा तो उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा वर्कशीट करने में और वो बोर भी नहीं होगा। तो इस तरह से तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।